तो अभी सुबह के 6:30 बज गए। कर रहा हूँ, क्या मेरा हॉबी है, ये सब बताऊँ। नाम की तुम्हार? कहीं टूर राइड पे जाना चाहिए। यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बारिश भी हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, चारों पास पानी पानी हो रखा है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊँ? कूट साला। सो मैं जस्ट अभी उठा हूँ। सो आपको दिखाता हूँ, चलो। अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा है। आप आसमान को देखिए एक बार, बहुत ही खराब, कभी भी बारिश हो सकता है। पानी देखिए। तो मैं आपसे मुंह धोकर बातें करता हूँ, ठीक है? और ये हमारे टूचू उठ गए हैं। क्या अभी इसको जाने देते हैं और बाद में मिलते हैं आपसे। आज का प्लान मुझे भी पता नहीं क्या क्या करूंगा ना नहीं करूंगा। चलिए देखते हैं, जो भी करूंगा आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, आगे मिलते हैं। तो अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था, बारिश हो सकता है। देखिए अभी बहुत बारिश हो रहा है। अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं गया, बाहर जाता तो एकदम भीग जाता। मौसम सहारा देखिए एकदम। तो अभी सुबह के 9:45 बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के घर, काम है। तो फिर देखते रहना वीडियो, बाद में मिलते हैं। और ये हमारा देवीतला मंदिर है। वेदर बहुत ही अच्छा है, ऐसा वेदर में कहीं टूर राइड पे जाना चाहिए, बहुत अच्छा फील होता है। सो अभी मैं अपने दोस्त के घर पे बैठा हूँ। यहाँ पर खाने के लिए मुझे कुछ दिया है, ठीक है? खा के आपसे बात करता हूँ बाहर जाकर। सो अभी मैं दोस्त के घर से निकला हूँ। तो अभी मैं फिलहाल घर चलता हूँ, घर चल कर बाद में बात करते हैं। वीडियो के साथ बना रहना। फिलहाल मैं घर चला आया। सो आगे का कुछ प्लान नहीं है, देखते क्या करते हैं। और ये है हमारा गॉडो। नाम की तुम्हार? तुम प्रश्न बोले सुना दो। आमी मायरी बोल सी के बोल बे। शाम के 5 बज गए हैं, कंटिन्यू बारिश हो रहा है। पता नहीं शाम को निकल भी पाऊंगा या नहीं। आज बहुत सुबह उठा हूँ तो नींद आ रहा है, सो भी सकता हूँ अभी। अगर निकलता हूँ तो फिर मुलाकात होगी, देखते रहना। हेलो गाइस, अभी टाइम 11 बज गए हैं और मेरा डिनर भी हो गया है। सो आज का दिन बेसिकली बहुत ख़राब था क्योंकि सारा दिन बारिश हो रहा था। शाम को मैं नहीं निकल सका। सो शाम का प्लान था, मैं जूता खरीदने जाता, लेकिन क्या करूँ, जो भी हो कल जाऊँगा जूता खरीदने। और मैं आपको मेरा इंट्रो नहीं बताया, ऐसी ब्लॉगिंग शुरू कर दी। जो भी हो, सो आज मैं बताऊँगा मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा हॉबी है, ये सब बताऊँगा। सो मैं वेस्ट बंगाल के रायगंज से हूँ और अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ ITI, इलेक्ट्रिशियन में ITI कर रहा हूँ और 2 महीने बाकी है। और मेरा हॉबी बेसिकली बता सकता हूँ, मुझे गाना करना अच्छा लगता है, बचपन से अच्छा लगता है। जो भी हो, अच्छा नहीं, अच्छा लगता है मेरे को। और मैं गिटार लिया है और खुद से सीखा यूट्यूब से। और ब्लॉगिंग मुझे, मतलब ब्लॉगिंग करने का बहुत दिनों से शौक था, और मतलब शौक भी नहीं, अच्छा भी लगता है क्या, क्योंकि किसी को अपने बातें शेयर करना
मतलब आप लोगों से कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग में अभी नया हूँ तो आप मेरे बात सुनकर समझ सकते हैं। उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने बातों पे और मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर बेंगलुरु में बातें करता हूँ। जो भी हो इम्प्रूव करना पड़ेगा, हो जाएगा। और मुझे अभी फिलहाल आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कॉमेंट ये सब कर देना। सो मिलते हैं नए वीडियो पे, ठीक है। सो मैं आपसे आज कुछ गाना शेयर करना चाहता हूँ, सो सुनिए। दिलकश थी वो शाम पहले पर जब कि तुझसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अभी न जानो के जाओ तो जाओ किधर। हुसा न तुम सामने थे एक पल, हुसा न अगली ही पल थी उजल। अब क्या बताऊँ मैं किस हाल में हूँ मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। सो और एक गाना करना चाहता हूँ, वर्मन मलिक का है, बहुत ही अच्छा गाना है, मेरे को अच्छा लगता है। सो सुनिए। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ए जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में लाया हूँ मैं, तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। सो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में कर दूंगा, ठीक है। ओके।